एटा तालाब की विवादित जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति रखकर पूजा पाठ करने से दो पक्षों में तनाव व्याप्त होने से भारी संख्या में पहुंची फोर्स। मामला रामपुर थाना क्षेत्र के धनंजयपुर गांव का है। गांव में भीटा तालाब की जमीन है जिस पर मुस्लिम ग्राम प्रधान द्वारा नाला बनाकर पानी जमा करने के लिए सोख्ता बनाना चाहता है, जिसको लेकर गांव के पटेल बिरादरी के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। शनिवार की रात किसी ने उक्त जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति रख दिया। सुबह उस पर पूजा पाठ भी शुरू हो गया। विवाद न हो मुस्लिम ग्राम प्रधान ने सूचना एसपी को दिया। इसके बाद पहुंची प्रशासन ने मूर्ति अपने साथ ले आई और बाद में मामले का निस्तारण करने की बात कही है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जानकार पटेल, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये जो आज मूर्ति का मामला है, ये पूरा मामला क्या है, जरा बताएं। दरअसल देखिए, ये मामला बहुत पहले से चल रहा है। यहाँ पे ग्राम प्रधान मकसूद आलम जी जो यहाँ गांव से नाला बना करके यहाँ ले आकर के पोखरे में तालाब में गिराना चाहते थे, जिसका विरोध गांव वालों ने किया कि ये तालाब हम लोगों के धार्मिक स्थलों पे यहाँ की मिट्टी जाती है, नाला यहाँ नहीं बनेगा। और ये 2 साल पुराना मामला है जिसको लेकर काफ़ी विवाद रहा और इस पर कई बार मतलब यहाँ पर फोर्स भी आई, नाला नहीं बन पाया। लेकिन कहीं से किसी ने ला करके यहाँ मूर्ति रखी जिसका पूजन पाठन किया जाने लगा। ये कब मूर्ति रखी गई है? मूर्ति तो कब रखा गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अभी सूचना मिली कि मूर्ति रखी गई है, जिसको हटवाने के लिए कुछ प्रशासन के लोग आए हुए हैं, आप वहाँ पहुँचिए। तो मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ जब पहुँचा देख रहा हूँ कि यहाँ से मूर्ति अशोक साहब अपने गाड़ी में रख लिए हैं जो कि थाने पर लेके जा रहे हैं। आप भाजपा के हैं जी और सनातनी हिंदू कहे जाते हैं, तो क्या ये सही है कि कहीं भी मूर्ति हिंदू रख दें, जहाँ चाहे वहीं रख दें, जहाँ विवाद रहे वहीं रख दें? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मूर्ति रखी गई थी, उस पर लोग पूजा पाठ कर रहे थे। ये आज रात में ही पूजा पाठ शुरू कर दिए? ये मुझे नहीं मालूम कि ये रात में रखा गया या इसके पहले रखा गया। अच्छा, लेकिन हिंदू आस्था रखने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ भाई सिर्फ मुस्लिम बस्तियों की नाली है जिसमें भेड़ बकरियां काटी जाएंगे, मूतेंगे थूकेंगे, वो पानी आकर के हमारे तालाब के पास बहे, ये अच्छा नहीं है, इसका विरोध उन लोगों का था। अच्छा, मूर्ति का मतलब नहीं है? मूर्ति का था, मूर्ति तो एक किसी ने रख दिया, लोग पूजा पाठ करने लगे। अब कौन रखा इस बात को कोई जानकारी नहीं है, किसी को जानकारी नहीं है। चलिए, धन्यवाद। यहाँ देखिए, वो रास्ते में नाली अभी पानी बह रहा है, पूरा गांव उसी से जाता है। सबके खेत बारी उधर होंगे और सब जाते हैं उसी में, हल के जाते होंगे, तो वो गंदगी भाई। देखो, गंदगी जहाँ पानी रहता तो गंदगी नहीं होता, नहीं होता। सबको तकलीफ है, सबको दरवाजे में आके इधर से आप चल के जरा जाइए, देखिए कितनी गंदगी। अरे भाई, हम उसी गंदगी की वजह से तो इधर से आए हैं, आप इधर और इधर भी यही मोर्चा मिला है, सबको तकलीफ है। यही हल निकालने के लिए सर ये हुआ कि ये पहले जगह देख लिया जाए कहाँ ये एंड होगा इसका, यहाँ नहीं एंडिंग है। अब आप लोग बताइए कि किस दिन आप लोगों को थाने पे बुलाया जाए? गांव में बैठक हुए तो और अच्छा रहेगा। नहीं, गांव में नहीं बैठक होगी, नहीं हो पाएगी। गांव में ऐसे बैठक नहीं हो पाएगी ना, ऐसे गांव में रहेंगे कोई ग्राम सभा है, एक ग्राम प्रधान है, 12-13 इनके सदस्य होंगे, एक पीडीसी होंगे, ये लोग बैठ के ये लोग ग्राम पंचायत योजना बना ले कैसे क्या करें। आप लोग बैठ के अपनी बात करो, आप ही समाधान बता दो, यहाँ बनवा दीजिए, इतने तो है ना ग्राम सभा में, ये ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान है, सदस्य होंगे, बीडीसी मेंबर होंगे, एक बीडीसी है कि दो बीडीसी, एक बीडीसी है कि दो बीडीसी। क्या नाम है सर? मकसूद आलम, ग्राम प्रधान। ये क्या मामला है, मूर्ति का क्या मामला है? मूर्ति का मामला सर, आज सुबह में हमको सूचना मिला कि तालाब के भीटे पे मूर्ति रखा गया है। अब ये कौन रखा है इसका पता नहीं चला। हमने सूचना दिया
जिले में एसपी सर ने फोन किया साहब को, एस पी साहब हमको हमसे बात किए, बोले प्रधान जी वहाँ कोई बात ना हो, हम कहा सर वहाँ हम गए ही नहीं, सिर्फ हमको सूचना मिला, हम आपको सूचित करें। ये मौके पे यहाँ पे आज एस डी एम साहब तहसील से आए पूरे राजस्व टीम को लेकर, मौके पे नायब तहसीलदार भी थे, सी ओ साहब भी थे और एसओ राम आके भाई जो मूर्ति रखी गई थी उसको लेकर एसओ साहब अपनी गाड़ी में थाने पे ले गए, सारा मामला को यहाँ पे शांतिपूर्वक हल कर लिया। कि क्यों ऐसा क्यों हुआ, यहाँ मूर्ति क्यों रखा गया, जो भी रखे हों तो ये मूर्ति पहले से ही यहाँ स्थापित है या यहाँ प्रकट हुई मूर्ति? नहीं ना प्रकट हुई सर, कल ऐसा है मैं जैसे सामने देखें, कल हम थे और मनीष पांडे जी और क्या बोलते हैं योगेश कुमार और तहसील पे नायब तहसीलदार, हम तीनों लोग को बुलाए के बैठ के बात हुआ, बोले प्रधान जी इसका हल निकालिए, हम कहा सर जी ये पांडे जी रोके थे सर जी, वो बोले कि हाँ हम रोके थे, और योगेश कुमार बोले कि हाँ सर जी हम लोग रोके थे, इसका हल निकालने के लिए कल बात हुआ और बोले कि इसका भाई तालाब में पानी न जाके कहीं और रास्ता निकाला जाए, और नायब साहब ने लेखपाल साहब को सूचित भी किया कि सोमवार को जाके मौका देखकर उसका आगे आगे निकालिए पानी, तालाब में न जाके कहीं और भी जाए, वही हल हो रहा था सर, और योगेश कुमार ने आके गांव में ये बातें कही और रातों रात लाके मूर्ति यहाँ रखा दिया, कौन रखा है इसका पता नहीं। अच्छा यही बात है सर। तो ये तालाब में पानी क्यों जो है लगा, क्या अलग से ये व्यवस्था आपके द्वारा? तालाब में पानी डालने का ये प्रोजेक्ट नहीं है सर, ये SLDMW के तहत काम नाली निर्माण कार्य होना था, जो कि इसमें 6 पांड बनना था, 6 सुखता गड्ढा, न कि तालाब में जाने के लिए, जो नाली पाइप लाइन से आता वो सोखते गड्ढे में जाता, 6 सुखता भरने में समय लगता है सर, इतना जल्दी भरता नहीं, हर जगह बारिश में ओवर हो के, चाहे वो गंगा हो चाहे समुद्र हो चाहे नदी हो चाहे नाला हो, सब जगह पानी भाई फैल जाता है, तो हो सकता है बारिश के मौसम में तालाब ये सोखता गड्ढा भर जाता तो छलकता पानी, लेकिन वैसे छलकने का कोई आसान नहीं था, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे जिले से आए थे हमारे नोडल अधिकारी, और उनका नाम था भाई अभय कुमार सिंह, वो आते सर्वे किए थे हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए, हमारे जेई साहब आए थे, सारे अधिकारी के कहने पे ये कार्य हो रहा था, राजस्व विभाग हमको SDM सामने ये जगह चिन्हित किया था, और ये चिन्हित जगह पे हम कार्य पूर्ण करना चाहते थे, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं आ गई और जो समस्या आ गया, हम विवाद न होने की वजह से ये कार्य को रोक दिए, अब आगे शांतिपूर्वक कार्य अगर होगा तो हम कराएंगे, नहीं तो इसको वैसे ही रोकेंगे। तो वर्तमान समय में यहाँ मंदिर मस्जिद या थोड़ा जो है ये मूर्ति का कोई विवाद नहीं है ना? नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शांत। चलिए।